आज से पहले कभी ऐसे हुआ है कि मैंने तुम्हारी मर्जी को अहमियत ना दी हो? तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करो। मैं साफ कह रही हूँ आपसे, मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरी बात ना मानी ना, तो मैं सारी लाइफ आपसे बात नहीं करूंगी। एंड यू नो दैट आई मीन इट। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ उससे। अब इसे कहो कि ज्यादा परेशान नहीं, मैं सोने लगा हूँ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सुना नहीं फैसल ने क्या कहा है? कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे भाई ने दफ्तर जाना है, बच्चे ने स्कूल जाना है, आ गई नींद आराम करने, अब क्या आधी रात को उठ के तुम्हारे भाई को ढूंढे? अब जाओ यहाँ से। फिर क्या प्लान है आप लोगों का? नहीं महा तो बिल्कुल नहीं मान रही, वो कहती है क्या जरूरत है किसी के घर जाने की। और फखर? फखर महा को मनाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि महा इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होती। मैं सोच रही थी कि आप इजाज भाई को कॉल करें, इस वीकेंड पर चल के हम रिश्ते की बात कर लेते। नजमा ये गलत होगा, तो फखर का माइंड ही कहीं और है, हम उसके साथ जोर जबरदस्ती क्यों करें? बिल्कुल सही कह रहा है ये। अम्मा आप भी इनका साथ दे रही हैं, बस आप लोग तो ये चाहते हैं कि मैं बेटे की पसंद के आगे हथियार डाल दूं। नजमा जिद और जबरदस्ती से मामला बिगड़ सकता है, पहले तुम लोग जाके लड़की तो देखो कौन सा रिश्ता तय कर रहे हैं, पता तो लगे कौन लोग हैं कैसे हैं। और क्या तो नजमा, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी जिसने जिंदगी गुजारनी हो वही इस शादी से खुश ना हो तो क्या फायदा इसी शादी का। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर फकर ना खुश होगा तो क्या तुम खुश रहोगी? और माँ वो भी तो राजी नहीं है। अरे मान जाएगी वो भी, पहले जाके लड़की तो देखो, रिश्ते की बात तो बाद में होगी, पता तो लगे कैसे हैं कौन लोग हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो कल ही चले जाते हैं उनकी तरफ। बिल्कुल ठीक है। फखर कल हम उनके घर जाना चाहते हैं, तुम दानियाल या उस लड़की को इन्फॉर्म कर दो। वाकई में महा के साथ जाएगी? नहीं वो बाद में देख लेगी, फिलहाल मैं और तुम्हारे डैड उनकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, पता तो चले कि वो लोग हैं कौन। मैं बहुत सादा से लोग हैं। अच्छा, इसका मतलब कि वो लोग हमारे स्टेटस के भी नहीं है, और तुम चाहते हो कि हम उन्हें अपना रिश्तेदार बना लें। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो फखर, मुझे लगता है कि तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो, एक लड़की की खातिर तुम इतना सब कुछ इग्नोर कर रहे हो। अम्मी आप भी स्टेटस को इशू मत बनाए ना, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए अहम ये है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अम्मी जब आप मिलेंगी ना उससे तो आपके एतराज भी खत्म हो जाए, बस आपको बहुत अच्छी लगेगी वो। प्लीज ना अम्मी। चलो ठीक है, कल तो हम जा ही रहे हैं, ये भी देखती हूँ कि तुम्हारी पसंद कैसी है, उन्हें इन्फॉर्म जरूर कर देना। फखर और दानियाल बहुत अच्छे दोस्त हैं। फखर माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बच्चा है, हमारे तो घर का फर्द है। जी जी, फखर भी अक्सर दानियाल का जिक्र करता है घर में। ईमान बेटा चाय तो? थैंक यू। ईमान बेटा इधर मेरे पास आकर बैठो। जी आंटी।
माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। बेटा आजकल आप क्या कर रही हो? जी आंटी, अभी अभी मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, बीएस किया मैंने। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आप भी तो कुछ लीजिए ना। जी मैं लेता। हाजरा बहन, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मैं अपने बेटे फखर के लिए इसका हाथ मांगना चाहती हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी। फखर जैसा दामाद तो नसीबों वालों को मिलता है। तो ठीक है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। क्यों बख्तियार? बिल्कुल। बेटा शगन है। आंटी आप बिस्किट्स जी। बेटा आप क्या कर रहे हैं आजकल? बस अंकल, आजकल जॉब की तलाश है और थोड़ी सी फ्रीलांसिंग चल रही है। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मैं अपने बेटे फखर के लिए इसका हाथ मांगना चाहती हूँ। ले अम्मा, आप तो मुंह मीठा करें। कहाँ इतना हिचकिचा रही थी, और अब रिश्ता भी पक्का कराई। अरे अम्मा, इनका बस चलता तो ये फखर को वहां बुलवा लेती और उसी वक्त निकाह भी पढ़ा देती। सच में अम्मा, इतनी अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, मेरे तो देखते ही दिल में उतर गई। हालांकि उनका रहना सहना, उनका मेयार हमारे मुताबिक नहीं है, लेकिन अच्छा गुदड़ी में लाल है। वैसे हमारे फखर की चॉइस बहुत अच्छी है। मेरे बेटे की चॉइस मामूली कैसे हो सकती है? अच्छा, अब शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द हो जाए तो अच्छा है। मैंने उन लोगों को इनवाइट किया है घर पे, जरा वो भी हमारे घर का चक्कर लगा लें। वैसे बहुत अच्छे शरीफ लोग हैं वो, के जरा घर बार ठीक है, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी। Thank you.
मुझसे एक बात बताओ, तुम खुश हो ना? फखर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। अगर तुम राजी हो तो ही हम बात आगे करेंगे। मुझे इस रिश्ते से कोई अच्छा। पक्का? पक्का। लाओ फिर मिठाई खिला और ये चाय अम्मी को। चाय। लगता है आज तक मैंने जितनी दुआएं मांगी वो अल्लाह ने सारी की सारी कबूल कर ली। फखर बहुत अच्छा लड़का है, मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जैसे ही फैसला आता है मैं उससे बात करके उनके घर जाती हूँ। हाँ बेटा, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। आप तो कह रही थीं कि फखर बड़ा नेक और शरीफ इंसान है, उसके दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं, तो अब उसने ईमान के लिए रिश्ता कैसे भिजवा दिया? क्या ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, फखर के माँ बाप आए थे ईमान के रिश्ते के लिए और खाला ने आपसे पूछे बगैर हाँ भी कर दी। ऐसी बात नहीं है फैसल बेटा, मैंने अभी तक उनको जवाब नहीं दिया। ये तुम्हारे सलाह मशवरे से ही सब कुछ होगा ना? कैसी सलाह कैसा मशवरा, ये तो बस खाना पूरी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है ये बात तो बहुत पहले से चल रही है, सिर्फ मुझसे और फैसल से छुपाई गई, वरना पहले दिन कोई नेक थोड़ी देकर जाता है। समीर एक मिनट चुप करो। अम्मी जब मैंने कहा था कि फखर इस घर में नहीं आएगा तो फिर ये सब क्या है? बेटा उन लोगों का अचानक फोन आ गया कि वो हमारी तरफ आना चाहते हैं। अब बताओ भला मैं इनकार कैसे करती? अभी तो उन्होंने सिर्फ बात की है, जाहिर है हमारी तरफ से जवाब जाएगा तो रिश्ता तय होगा ना। अगर तुम हाँ करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जवाब दे दूंगी। तो फिर ठीक है, उन्हें फोन करके मना कर दीजिए कि हमें यह रिश्ता नामंजूर है। भाई स्वाति होने का नहीं है, ईमान के मुस्तकबिल का सवाल है। प्लीज ईमान के मुस्तकबिल की फिक्र मुझे तुमसे तो ज्यादा ही है, बहुत सोच समझ कर फैसला किया मैंने। भाई आप सोच समझ कर ही तो फैसला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फखर मेरा दोस्त है आप अच्छे रिश्ते को जाने दे रहे हैं। तुम तो बस रहने ही दो, पहले आंख कान बंद किए एक जवान लड़के को अपने घर में घुसाया और अब उसी से अपनी बहन की शादी करने चले हो, ये भी नहीं सोचा कि मोहल्ले वाले क्या बातें करेंगे। लोगों का तो काम है कहना, अपने गिरेबान में झांकते नहीं और दूसरों पे उंगलियां उठाते। फिर भी दुनिया की परवाह तो करनी पड़ती है ना, इसी मोहल्ले में रहना है, किस किस को वजाहते देंगे, और फिर सब एक जैसे थोड़े ही होते हैं, कोई गैरत वाला भी होता है। फैसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रिश्ता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसी में आप लोगों की भलाई है। आप इस घर की कितनी खैर ख्वाही है मैं अच्छे से जानता हूँ। दानियाल तुम चुप रहो। खाला बोलने दे से, पता तो चले फैसल को भी कि इस घर में आप सबके दिल में मेरे लिए कितना बुग्ज है। क्या जरूरत है इसके मुंह लगने? बेटा एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, बहुत अच्छे लोग हैं,
बड़े प्यार से रिश्ता मांगा है उन्होंने, ऐसे में बिना वजह इनकार कर देंगे तो? अम्मी अगर आप मेरी मर्जी जानना चाहती हैं तो मैं अपना फैसला आप लोगों को सुना चुका हूँ। अगर इसके बावजूद आप ईमान की शादी वहां पे करना चाहती हैं तो फिर आप लोगों की मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। फिर मुझसे किसी बात की तवक्को मत रखिएगा। ईमान बीबी, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। मेरी जान, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, हम सब लाउंज में बातें कर रहे हैं, तुम भी चलकर हमें कंपनी दो। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको, मुझे तो लगा आप भूल ही गई होंगी कि आपकी एक बेटी भी है। मेरी जान अभी तक नाराज है? बेटा, तुम और फखर मेरी कुल कायनात है, और तुम तो इस घर की रौनक हो, भला तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकते। प्लीज मामा, मुझे यूं बातों से ना बहलाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी बात की आपके नजदीक कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। आई मीन, अगर होती तो आप मेरी मर्जी के बगैर भाई का रिश्ता ना करती। बेटा, मैं तो तुम्हें साथ लेकर जाना चाहती थी। राइट। तुम खुद साथ नहीं गई, और फिर ये भी तो देखो ना, फखर कितना खुश है। सच कहूं तो मुझे उस लड़की को देखकर बड़ी तसल्ली हुई, बहुत ही प्यारी लड़की है, और मैं ना फखर के लिए कुछ ऐसी लड़की देख रही थी। अम्मी, आप फखर की अम्मी को कॉल करना और रिश्ते के लिए हाँ करते। दानियाल भाई, तुम होश में तो हो दानियाल? ये वक्त नहीं है जज्बाती होने का। तुम्हें पता है समय इस बात को लेकर कितना बड़ा झगड़ा खड़ा कर सकती है? ये तो रोज का मामूल है, आज मौका नहीं मिला तो कल किसी और बात पे फसाद डाल देंगे। आप प्लीज बात समझने की कोशिश करें, ईमान की खुशियों का सवाल है। मुझे भी अपनी बच्ची की खुशियां अजीज है, मैं नहीं चाहती समिया फैसल को बदगुमान करे। मैं दोबारा फैसल से बात करूंगी। अम्मी, भाभी चाहती नहीं है कि ईमान की शादी किसी अच्छी जगह पे हो। आज अगर हम फखर के रिश्ते को मना भी कर दें तो कल किसी और रिश्ते में भी नुक्स निकालेंगी ये। इनको सिर्फ हमें तंग करना है। मैं जानती हूँ समिया ऐसा ही करेगी, लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी होगी। बेटा, रिश्तों में दरार पड़ जाए तो घर भी टूटकर बिखर जाया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो दादू। खुशी के डायरेक्ट कनेक्शन है दिल से होते हैं, और मेरे दिल की बात तो आप जानती हैं। अल्लाह तुम्हारी खुशियां सलामत रखे। अच्छा ये बताओ, मुझे होने वाली बहू से कब मिलवा रहे हो? जब आप कहें। क्या बातें हो रही हैं आप लोगों की? वो मैं कह रही थी फकर से, तुम लोग सब तो मिल चुके हो, अब मैंने भी तो देखना है फकर की होने वाली दुल्हन को। तो ठीक है अम्मा, फिर आज ही चलते हैं उनकी तरफ। इनफैक्ट महा को भी अपने साथ ले जाती हूँ, पता है उसका मूड बहुत खराब है, उसे साथ जो नहीं लेकर गए।
आज वो ईमान से मिलेगी ना तो खुश हो जाएगी। हाँ ये तो है। फखर बेटा आज तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, फिर हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। जी जी जैसा आप कहें। चले मैं चलता हूँ, ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। देखा अम्मा माशाल्लाह कितना खुश लग रहा है। हाँ बिल्कुल। समिया ये फखर की दादी हैं, ईमान से मिलने आई हैं। तो खाला फिर आपने इन्हें बताया नहीं? हद होती है वैसे डिठाई की, जब फैसल साफ साफ इनकार कर चुके हैं इस रिश्ते के लिए तो आपने फिर भी इन्हें घुसा लिया घर में। साफ इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया उन्होंने कि जब अदनान आएंगे तो वही लड़की देखेंगे, वही पसंद करेंगे। मायरा का तो अब कोई चांस नहीं है वहाँ। चलो जी, नौसत भी खाली हाथ नहीं आती है, 10 हफ्ते अपने साथ लेके आती। देखा मैडम का मूड कितना खराब था। क्यों, उसका मूड क्यों खराब होगा? फैसल आपने इनकार जो कर दिया रिश्ते से, तो अब दूध पीते बच्चे नहीं है कि मैं आपको हर बात समझाऊं। अब देखे ना ये फखर हर आए दिन घर के चक्कर लगा रहा है, ईमान भी तो आगे पीछे होती है। अब इन हालात में जहन तो बन ही जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूं, अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात होती ना तो पता चल जाता मुझे। अरे फैसल मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप तो नाराज ही हो गए। मैं सोच रही थी कि आपने तो इनकार कर दिया है लेकिन ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, छुप छुपा के बात आगे बढ़ाएंगे। मेरी मर्जी के बगैर कुछ करके तो दिखाएं। सारी शादी का खर्च मैंने करना है, एक ढेला नहीं दूंगा मैंने। ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऑफिस से देर हो रही है। अरे फैसल चाय तो पीते जाए। मुझे नहीं पीनी। अच्छा के रोज के मसले नहीं खत्म होते। देखो जरा चाय नहीं पी के गया, दोनों चाय मुझे ही पीनी पड़ेंगी। फैसल बेटा। जी अम्मी क्या बात? बेटा मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी, तहम्मुल से सुनना और सोच समझ के फैसला करना। अम्मी अगर आप वही बात दोहराना चाह रही हैं तो मेरा जवाब आपको पता है। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? अम्मी क्या समझने की कोशिश करूं मैं? क्या फखर इस दुनिया का आखिरी इंसान है? मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं ईमान के अच्छे मुस्तकबिल का सोच रही हूँ बेटा। अच्छा तो ईमान खुद फखर से शादी करना चाहती है, ऐसी ही बात है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ईमान की शादी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा और धूमधाम से उसकी शादी करूंगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं शाम में आता हूं तो फिर करेंगे बात। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे महा ये क्या बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? फखर आ चुका है, चलना नहीं है? God's sake mom, I think I already told you कि मुझे इस लड़की से मिलने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरी जान अगर तुम चलोगी ना तो फखर को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज आप मुझे इस तरह फोर्स ना किया करें, इट्स एक्चुअली रियली इरिटेटिंग। अम्मी जब इस घर में किसी को मेरी परवाह है ही नहीं तो मैं क्यों किसी की फिक्र करूं? बेटा तुम इसकी बातों को दिल पे मत लेना, तुम्हें पता है ये छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती है, खुद ही ठीक हो जाएगी।
दादू रेडी हो गई? हो तो रही थी, मैं जाकर देखती हूँ। आए दादी। आए। आ जाए। घर तो छोटा है पर प्यारा है, है? जी। अब और जब आप देखेंगी ना ईमान को और भी ज्यादा खुश हो गई। अच्छा चलो, बहुत अच्छे लोग हैं माशा। इस साइड। हम आपको बगैर बताए आ गए, इसके लिए माजरत चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आप आए। ये फखर की दादी है। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। दरअसल ये ईमान से मिलना चाहती थी, इसीलिए हम लोग आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा ये ईमान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसे ही पाया। मेरे फकर की होने वाली दुल्हन तो बहुत प्यारी है। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर खाला? समिया, ये फकर की दादी हैं, ईमान से मिलने आई हैं। तो खाला फिर आपने इन्हें बताया नहीं? हद होती है वैसे डिठाई की, जब फैसल साफ साफ इनकार कर चुके हैं इस रिश्ते के लिए तो आपने फिर भी इन्हें घुसा लिया घर में। समिया बेटा, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, घर आए मेहमानों का कुछ तो लिहाज कर लो। मैं क्या डरती रहती हूँ किसी से? देखिए जी, बात यह है कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। बेहतर है आप लोग दोबारा यहाँ आने की जहमत ना कीजिएगा। ईमान, ये खातिर मदारत किसके लिए? तुम लोगों का भी खर्चा पूरा करो और तुम लोगों के चाहने वालों को भी भरो। हाथों से रखो ये सारा कुछ वापस, बंद करो ये ड्रामे। उठे अम्मा, बहुत इज्जत अफजाई हो गई हमारी। बहन जी मेरी बात तो सुने। चले अम्मा, आए। उठो फखर, तुम भी आइए। आइए ये दरवाजा। अम्मी बात तो सुने आप। अम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बात तो सुने, जवाब तो दे मुझे। क्या सुनूं? मैंने तो आज तक किसी की इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की। हद हो गई है, इतनी इल-मैनर्ड और जाहिल औरत है वो। नजमा, तहम्मुल से, गुस्से से मसले हल नहीं होते। अम्मा ये आप कह रही हैं? आपने देखा नहीं वहाँ क्या हुआ? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि उनका लेवल इतना थर्ड क्लास होगा। क्या हुआ है भाई, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतने गुस्से में क्यों? ये पूछे कि वहाँ क्या नहीं हुआ,
हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मॉम उनकी इतनी हिम्मत, मैं तो सिर्फ फखर की वजह से चुप रही। आपको वहीं पे उनको उनकी औकात याद दिला देनी चाहिए थी। क्या हो गया तुम दोनों को, भला ऐसी बातों में मुकाबला कैसा? अम्मी शायद गलती मेरी ही थी, मुझे आप लोगों को समिया भाभी के मिजाज के बारे में बता देना चाहिए था। बेटा अगर वो लोग रजामंद नहीं थे तो हमें पहले बता देते। दादू ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना दानियाल मुझे बता देता। बस जो भी हो अब ये किस्सा खत्म समझो, और वैसे भी तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अम्मी मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ईमान के साथ करूंगा। फखर रिलैक्स, तू डिस्टर्ब है इस वक्त, बाद में बात कर लेना, रिलैक्स। आप समझती क्या है अपने आप को, होती कौन है आप उनकी इंसल्ट करने वाली? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? वही लहजा जो ये डिजर्व करती हैं। जानते हैं आप आज क्या हुआ है? फखर की दादी और अम्मी आई थी और इन्होंने उनको जलील करके घर से निकाल दिया। मैंने किसी को जलील नहीं किया, सिर्फ सच्चाई बताई है जो आपके घर वाले छुपा रहे थे उनसे। अब पूछे ना जरा अपनी माँ और भाई से, भला इन्होंने अभी तक रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? इसने मुझे मौका ही नहीं दिया, आते ही शुरू हो गई, मैं कहने वाली तो थी। रहने भी दे खाला, ये बेवकूफ आप किसी और को बनाइएगा। जानती हूँ मैं आप दिल से ही राजी नहीं थी, वरना जब आपको फैसल ने कहा था आपको तो फोन पे मना कर देना चाहिए था। हाँ तो हम नहीं करना चाहते इनकार, आप होती कौन है अपने ख्यालात हम पे मुसल्लत करने वाली? ईमान की शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ अम्मी करेंगी और कोई नहीं। ठीक, अगर ये फैसला अम्मी का है तो आज एक फैसला मैं भी करूंगा, मैं और मेरा खानदान इसमें शामिल नहीं होंगे और आज के बाद हमारा आप लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। आपके लिए आपकी जिद और रहना इतनी अजीज है, इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते? हाँ हाँ मैं ही तो खुदगर्ज हूं, इतने सालों खुदगर्जी मैंने ही तो की है, और किसने की है? संभालो इन्हें, देखता हूं कितना दम है तुम में। तो आपको क्या लगता है मैं इन दोनों को नहीं संभाल सकता? बोझ नहीं है ये मेरे लिए। बस कर दे खुदा के लिए, आप दोनों बस कर दे खुदा के लिए, बस कर दे। और कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी माँ का ही लिहाज कर लें। आप दोनों को एहसास भी है कि क्या गुजर रही होगी इन पे, आप दोनों को ऐसे लड़ता देख। ईमान में तो बस मुझे शादी नहीं करनी है। और अब आइंदा इस घर में इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। तेरी राह में रुलते फिरते हूं, तेरी राह में रुलते फिरते छोड़ गया, आँख में जितने ख्वाब
चुप हो जा मेरी बच्ची, रुलते फिरते नहीं यार, अमर वापस ही नहीं आ रहा। आई डोंट नो, आई मीन उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। अभी तक उसने कॉलेज का एडमिशन भी नहीं लिया और आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। हाँ चलते हैं ना, वैसे भी मैं इस घर में बहुत बोर हो रही हूँ। ओके डन, बट लेट मी जस्ट आस्क मॉम एंड डैड। ओके बाय। Yes. Mom, Dad, मुझे आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बेटा बैठो बोलो। Actually मेरी यूनिवर्सिटी के मेरे सारे फ्रेंड्स ने एक ट्रिप प्लान की है जहाँ पे हम सब नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं फॉर अ वीक। गुड। यस। वन वीक? बेटा तुम्हें पता है कि फखर कितना अपसेट है, मेरी जान उसे थोड़ा सा टाइम दो। एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हारे साथ बिजी होगा ना तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा। मॉम कम ऑन, फखर भाई कोई बच्चे थोड़ी हैं। एंड आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी उन लोगों ने रिश्ते से तो इनकार कर दिया ना। एंड आई गेस इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। Anyways, Dad, आप प्लीज मेरी टिकट कंफर्म करवा दीजिएगा। अरे मेरी जान हो जाएगी, तुम पहले डेट तो डिसाइड करो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मेरा बच्चा। गुड नाइट। वैसे बात तो माँ की ठीक ही है, फखर कुछ दिन अपसेट होगा फिर भूल जाएगा। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? तुम तो खुद उस लड़की को पसंद करके आई थी और इतनी छोटी सी बात पे तुम इतनी बदगुमान हो गई उसे। आप जानते हैं मैं वहां फखर के लिए गई थी। हाँ वो बच्ची भी मुझे पसंद है, लेकिन अगर वो लोग राजी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन तुमने उसकी बात गौर से नहीं सुनी। तो क्या करूं, उन लोगों के पैर पकड़ लूं? अगर वो लोग रिश्ता नहीं देना चाहते तो हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नजमा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम कम से कम अपनी जबान से कुछ मत बोलो। हमारा बेटा फखर समझदार है, अगर वहां से इनकार होगा वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे अपनी आना का मसला बनाओगी तो तुम्हारा बेटा कम जिद्दी नहीं है। बस जो भी हो अब ये किस्सा खत्म समझो, और वैसे भी तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। खाला फिर आपने इन्हें बताया नहीं? हद होती है वैसे जिठाई की, जब फैसल साफ साफ इनकार कर चुके हैं इस रिश्ते के लिए तो आपने फिर भी इन्हें घुसा लिया घर में। घर में अगर मसला चल रहा था तो तानियाल ने मुझे बताया क्यों नहीं?
मुझे कॉल कर देता मैं मम्मी को ना लेके जाता वहां पे।